ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له لا ند له لا مثل له لا مثال له لا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحزرون أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون واجب الاحترام سامعین محترم حضرات اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو میں اس وقت جس مقامی ذیشان نو تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمایا اے اللہ رب رحمان دی عظیم و شان عظیم البرکت کتاب دا 18واں پارہ سورۃ انعام سورہ المؤمنون جن دیاں ابتدائی 11 آیات میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائیاں نے میری اللہ دے حضور اے دعا ہے کہ اللہ مینوں صحیح معنیاں دے اندر ان آیتاں دے معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی قرآن و حدیث دی روشنی اندر ٹٹیاں فٹیاں باتاں ہون اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے میرے تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے حضرات جنا ایسا نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اللہ رب العزت نے ان آیات دے اندر فلاح اور کامیابی دا
एक बहुत बड़ा खजाना बयान फरमाया। दुनिया दे हर इंसान हर शख्स दी ए तमन्ना और आरजू है कि मैं अल्लाह दी जन्नत दे अंदर चला जावा। अगर कोई बेनिमाज है, नमाज नहीं पढ़ता, दावा उनका भी यो है कि मैं अल्लाह दी जन्नत दे अंदर दाखिल कर दिता जावा। जे कोई नमाजी है, नमाज पढ़न तो बाद उनकी हसरत ते तमन्ना यही होंदी है कि मैं अल्लाह दी जन्नत दे अंदर चला जावा। उमरा अदा करन वाला उमरा अदा करदा, उमरा अदा करन तो बाद उन्दे दिल दी तड़प होंदी है कि मैनू अल्लाह दी जन्नत दा दाखिला मिल जाए। और इस तरह कोई भी दुनिया दा इंसान, कोई भी बंदा जो भी नेकी करदा, जो भी अमल करदा, अमल करन तो बाद इक्को ही दिल दी हसरत होंदी है कि मैं अल्लाह दी जन्नत दे विच दाखिल हो जावां। हजरात, जन्नत दे अंदर जाना इतना मुश्किल और औखा काम नहीं। जन्नत दा दाखिला मिल जाएगा, लेकिन जन्नत विच जान वास्ते जड़ियां बातां, जड़े अमल महबूबे कायनात अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने दसे ने ना, अगर उन्ना बातां ते उन्ना गल्लां ते असी अमल करांगे ना तो अल्लाह दी जन्नत मिल जाएगी। ते जे कुरानो हदीस तो हट के अपनी मर्जी दे अमल कीता, नेकी कीती, इबादत कीती, फिर याद रखना जन्नत मिलनी, जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत विच जान वास्ते मैं ए जड़ियां 11 आयतां पढ़ियां ने ना, इन्हां दे विच्चों सत आयतां ऐसियां ने जिन्हां आयतां दे अंदर अल्लाह ताला ने कुछ सिफतां, कुछ खूबियां बयान फरमाइयां ने। वो जड़ियां सिफतां ते खूबियां ने ना, अगर वो मैं और तुसी असी सारे मिल के ये सत अमल, सत खूबियां, सत सिफतां अपने अंदर जमा कर लेने, बठा लेने, तो मेरा ये दावा है क्योंकि ये जड़े अमल, ये जड़ियाँ सिफतां, ये जड़ियाँ खूबियां ने, ये आम दुनिया की किताब नहीं, ये वो आला किताब के विचों मैं तुहानू सत सिफतां दसनिया ने कि जिंदा नाम है कुरान, जिंदा नाम है कुरान। कुरान मजीद ऐसी अल्लाह ताला दी किताब है कि इस तो ज़्यादा शान वाली, उच्ची अजमत वाली कायनात दे अंदर अल्लाह ने होर कोई किताब नाजल ही नहीं कीती। ते जड़ा बंदा ये जड़े मैं अमल दसने ने इन्हां नू अपनाएगा वो बंदा कामयाब है, वो बंदा कामयाब है। और ऐसी कामयाबी उस बंदे नू मिलेगी, इधरों ये सत अमल करेगा, इन्हां सत्तां बातां ते अमल करेगा, सत खूबियां नू अपनाएगा, सत सिफतां ते अमल करेगा, ते सिद्धा रब दी जन्नत दा दाखिला मिल जाए। मैं अगर कबो ये बात लिख के देन वास्ते तैयार हाँ, अगर कोई बंदा ये बात करे कि बड़ा उच्चा दावा है, हाँ वाकई उच्चा है, लेकिन ये सत खूबियां सिफतां ही ऐसियां ने अल्लाह दे कुरान दियां
जड़ा बंदा अपना लवेगा वो मेरे को लखवा लवे अल्लाह दी कसम गरंटी शुदा वो बंदा जन्नती है। लो वो सत अमल सत सिफ्ता मैं तुहाडे सामने बयान करन लगा अल्लाह दे कुरान दे विचों। आओ जरा अल्लाह दा कुरान से मात फरमाओ वो केड़िया ने। और एक गल होर दस देवां 11वीं ऐत दे एंड ते अल्लाह ने फरमाया अल्लाज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फीहा खालिदून। जन्नत भी मिलेगी जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। आम जन्नत नहीं दे लबनी आम जन्नत नहीं जन्नतुल फिरदौस। ये भी हर बंदे दी ख्वाहिश होंदी याला मैनू जन्नतुल फिरदौस। जे कोई भंग दा सूटा लांदा है वह भी दुआ है या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दे दे। यकीन जानो जे कोई शराबी है अगर कोई सूद का कारोबार करने वाला दुआ उनके दिल च भी यही होगी या अल्लाह जन्नत देनी हूँ पर वह दही जड़ी जन्नतुल फिरदौस है। पर यह किन्ना नू लभनी है जड़े बंदा यह सत सिफतां अपनाएगा वह केड़िया ने गौर फरमाओ अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाइया ने। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया ऐलान फरमा दियो और इना लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा दियो। आओ लोगों पैगामे रब्बुल आलमीन नोट करके ले जाओ। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है। अल्लाह फरमांदे ने कद अफला अल मुमिनून कद अफला अल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल्लाहु मुरिसून वल्लज़ीना हुम लिस्सकाति फाइलून वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औमा मलकत अईमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वरा अज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसून अल-फिरदौस हुम फीहा खालिदून। कुरान तेरी अजमत तो सदके जाइए लख वार कुर्बान जाइए। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर दाए। अल्लाह फरमांदे ने कद अफलाहल मुमिनून यकीनन मोमिन फला पा गया मोमिन कामयाब हो गया मोमिन कामरान हो गया। और मोमिन किन्ना नु खिताब कीता कुरान ने सब तो पहली खूबी सब तो पहली सिफत सब तो पहली कामयाबी केड़ी है अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाया कद अफला हल मोमिनून कुरान आंदा मोमिन बन जाओ की करो
मोमिन बन जाओ। मोमिन किन्नू आंदे ने, मोमिन कौन ने? दो किस्म दे बंदे ने, एक ने मोमिन एक ने मूमन। दो किस्म दे, ओ मोमिन बनना मूमन बनना नहीं, मोमिन बन जाओ। अल मोमिनो कुरान आंदा मोमिन बन जाओ। मोमिन किन्नू आंदे ने? ईमान वालिया नू। ते ईमान वाला कौन है? ईमान वाला कौन है? आओ जरा अल्लाह दे कुरान दी सूरह बकरा पढ़ लईए, आखिरी रुकूए आखिरी ऐतां पढ़ लईए। अल्लाह दे कुरान ने बयान कीता है, अल्लाह फरमांदे ने आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफरानका रब्बना व इलैकल मसीह। ईमान वाले किन्नू क्या जानदा है? ईमानदार किन्नू क्या जानदा है? सब तो पहले आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून। ईमान लेके आना है अल्लाह दी जात दे उते। क्यों जी? ईमान लियाना है अल्लाह दी जात उते, फिर उस तो बाद ईमान लेके आना उनके रसूल दे उते, फिर उस तो बाद ईमान लेके आना उनदिया नाजल करदा किताबां दे उते, फिर ईमान लेके आना फरिश्तियां दे उते, फिर ईमान लेके आना जिंदगी दे उते, फिर ईमान लेके आना मौत दे उते। यानी हर वो चीज़ जड़ी अल्लाह ने नाजल फरमाई है उनदे ते यकीन रखना है, ईमान रखना है। जिंदगी मौत दा मालिक कौन है? अल्लाह। जे ऐसाडा ईमान पक्का हो जाएगा इनू ईमान वाला कहिंदे ने, ते जड़ा ईमान वाला बन जाए ये सारियां खूबियां जिस बंदे दे अंदर फिट हो जान उनू मोमिन आंदे ने। क्यों जी? जिंदे विच सारियां खूबियां ऐ आ जान ओ ईमान वाला है, ते जड़ा इन्हां सारियां चीज़ां ते सारियां सिफतां ते अमल कर लवे उन्हूं मोमिन कहिंदे ने, उन्हूं मुसलमान कहा जांदा है। आइए कुरान सुनिया जे, आओ जरा आमिना दलाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने गिरामी तुहाडे सामने रखा। आमिना दे लाल सलात व सलाम दी हदीस सही अल बुखारी दे अंदर जगां दे पीर अली सलात व सलाम इंज तशरीफ फरमाने, इंज मेरे नबी दे यार ते परवाने भी तशरीफ फरमाने। एक आन वाला आया, इंज अपनी सवारी ते बैठा है, अपनी सवारी दूर आके बन देंदा है, ते आपना महबूब अली सलाम दे करीब आ जांदा है, मेरे नबी दे नेड़े ते करीब होके आके बैठ जांदा है। जदों लागे होके बैठ जांदा है ते आके आंदा अय्युकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंदा अय्युकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुहाडे विचों मुहम्मद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंदा तुहाडे विचों नबी कौन है? मुहम्मद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने ना महबूब अलैहि सलाम दी तरफ इंज करके इशारा कीता, ऐ अल्लाह दे रसूल तशरीफ फरमा ने, ऐ अल्लाह दे नबी ने, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनू पता लग जांदा है, ये आके करीब होके बैठ जांदा
ते जदो बिल्कुल नबी पाक दे लागे ते करीब नेड़े होके बैठा ना, फिर करीब होके बैठन तो बाद ए गल कहिंदा है, आंदा महबूब सोनिया मैं बड़ा लंबा सफर तय करके आया वा, ते मैं तुहाडे वाल आया, तुहाडे कोल आया वा, ए अल्लाह दे रसूल जी मैनू ए गल दसो ना, मैं तुहाडे कोलों एक सवाल करना चाहना वा। आका फरमान देने जांग लिया ओ बेलिया आन वालिया, दूरों आन वालिया कर सवाल की करना चाहना है। ए महबूब अली सलात व सलाम नू पुछण दै पिया, आंदा सोनिया मैनू ए गल दसो, मल ईमान, ईमान किन्नू कहिंदे ने, मल ईमान, ईमान किन्नू क्या जांदा है, ईमान किन्नू आख्या जांदा है। आका फरमांदे ने अंतु मेना बिल्ला, सवाल करन वालिया, मसला पूछन वालिया, और मेनू पूछन वालिया, ईमान किन्नू क्या जांदा है। आका फरमांदे ने अल्लाह ते ईमान लिया ना, उंदे रसूल ते ईमान लिया ना, उंदियां किताबां ते ईमान लैके आना, उंदे नबियां ते ईमान लैके आना। फरमाया जिंदगी ते मौत ते तकदीर ते हर बुरी अच्छी तकदीर ते ईमान लैके आना। महबूब अलैहि सलातो व सलाम इनू समझा रहे ने, ये सारिया गल्लां पुछण तो बाद आंदा उस जात दी कसम है मैनू जिन्ने तुहानू हक दे के मबऊस फरमाया, आंदा है जिन्ने तुहानू पैदा फरमाया है, ते आक फरमाया ला अजीदो अला हाजा वाला अंकुश, मैं इंदे अंदर ना वादा करांगा ते ना ही घाटा करांगा। आंदा इंदे अंदर मैं कोई कमी पेशी नहीं करांगा, इंदे अंदर ना वादा करांगा ते ना ही घाटा करांगा। अदा ए गल कह के ए तुर गया, चला गया, ए चला जांदा। आका फरमांदे ने मेरे सहाबा, मेरे नबी सहाबा नू आंदे ने अफला हर राजूलो इन सादा का, ऐ मेरे सहाबा ऐ जड़ा बंदा गल कह के गया है, ऐ मसला के गया, अगर ता रिया ए अपनी गल ते पक्का, इना गल्लां ते अमल करदा रिया, अपनी गल ते पक्का रिया, ए रब दी जमीन ते चलदा फिरदा है। अल्लाह ने इंदे ते जन्नत नू वाजब कर दिता है, रब ने इंदे ते जन्नत नू वाजब कर दिता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह दो चीज़ां दी वजह तो जन्नत दी गारंटी मिली है, दो चीज़ां दी वजह तो, एक ता ए आ इन्ने आख्या ए मोमिन बन गया, की होया पहली खूबी ए आ के ए बंदा मोमिन बन गया, ते दूसरी खूबी ए आ सिफत ए आ कामयाबी ए आ के ए बंदे ने आख्या मैं दीन दे अंदर ना वादा करांगा ते ना ही घाटा करांगा। ओहो ही दीन जड़ा तुहाडे ते अल्लाह ने नाजल फरमाया, मैं उंदे ते ही अमल करांगा, कोई कमी पेशी नहीं करांगा। ए दो चीज़ां दी वजह तो अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम फरमांदे ने ए जमीन ते चलदा फिरदा है, अल्लाह ने इंदे ते जन्नत नू वाजब कर दिता है। और मोमिन दियां निशानियां खूबियां सिफतां होर भी कई ने, लेकिन एक निशानी बयान करके अगे मैं गल चलावां। आओ जरा अल्लाह दे कुरान दा मकाम एक मकाम समा फरमा लो, सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात का ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमांदे ने अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन
انفسهم وازواجهم امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا अल्लाह अकबर। मोमिन कौन है? मोमिन कौन है? ईमान वाला कौन है? कुरान आंदा अल्लाह फरमांदे ने जड़ा बंदा नबी नाल मुहब्बत करदा है, जड़ा बंदा पैगंबर दी इज्जत करदा है, मेरे नबी दा एहतराम करदा है, ओ बंदा मोमिन है। जड़ा नबी दी इज्जत करदा, एहतराम करदा, इज्जत नबी दी भी करदा। नाल अगली गल फरमाई कुरान ने, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी दा भी एहतराम करदा, इज्जत करदा। फिर नबी दियां बीवियां ने ना जड़ियां उन्हां दी इज्जत करदा, आंदा अम्मी ऐशा ए मेरी माँ है। जड़ा बंदा ए गल कहिंदा है मेरी माँ अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, ओ बंदा मोमिन जे। जड़ा बंदा कहिंदा है अम्मी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ओ बंदा मोमिन जे। जड़ा बंदा कहिंदा है अम्मी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ओ बंदा मोमिन जे। जड़ा बंदा कहिंदा है उम्मी जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अनहा, ओ बंदा मोमिन जे। जड़ा बंदा कहिंदा है अन्नी मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अनहा, ओ बंदा, ओ बंदा मोमिन। ये गल किन्ने आखी है? अल्लाह दे कुरान ने आखी है। जड़ा बंदा अम्मी ऐशा आखेगा, एक जाहिल, एक नकम्मा बेईमान, एक लाइन, एक जिंदीक, एक जालम ते बदबख्त उठे आए, वो आंदा अम्मी ऐशा मैं मानदा ही नहीं, वो माँ मानदा ही नहीं, और मिर्जा जेलमी बेईमान लूदा पठा हराम ज़्यादा, वो आंदा अम्मी ऐशा नू मैं माँ ही नहीं मानदा। और जालिम इस बदबख्त इंशाल्लाह एफआईआर कटवाई जाएगी, दर्ज करवाई जाएगी, अगर ये बाज ना आया, इनू गिरफ्तार ना कीता, इंशाल्लाह असी पूरे मुल्क दे अंदर इत्तेजाज करांगे और अपनी जमात दे अमीर ते नाज़म दे हुक्म ते पूरे मुल्क नू जाम करांगे जब तक इस जालम नू जेल अंदर बंद नहीं कीता जांदा। उन्नी देर तक एहतजाज जारी रहेगा। और कुरान आंदा ओ बंदा मोमिन है जड़ा नबी दी इज्जत करदा है, ते नबी दियां बीवियां उम्मत दियां मावां ने, साडियां साडियां मावां ने। अल्लाह अकबर। इनू मोमिन कुरान ने आख्या है, ते जड़ा मोमिन नहीं बनना चाहता वो नबी दियां बीवियां नू मां नहीं कहेगा, वो मोमिन हो सकदा, वो मुसलमान नहीं जे बन सकदा। लो पहली खूबी, पहली सिफत जिस बंदे अंदर होएगी, वो बंदा कामयाब, वो बंदा कामयाब जे। आइए गौर कर दे जाना, अल्लाह दा कुरान दूसरा मकाम, दूसरी खूबी तुहाडे सामने बयान करा। फरमाया कद अफलाहल मुमिनून, मोमिन बन जाओ अल्लाह कामयाब कर देवेगा। ते नंबर दो, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, नमाज पढ़नी है, बोलो नमाज पढ़नी है, आजजी इनके सारी नाल पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, खुशू
खुजू नाल पढ़नी है नमाज ओ ही अल्लाह नू काबले कबूल है जड़ी खुशू खुजू नाल पढ़ी जाएगी। ते जिस नमाज के अंदर आजजी इनकिसारी नहीं होएगी, मैं अल्लाह दा कुरान हाथ विच फड़ के बात कहना, उस बंदे दी अमल नेकी अल्लाह नू पसंद नहीं आ सकती। हुण असी नमाज खुशू खुजू वाली पढ़नी है, असी नमाज भी पढ़ी जा रहे हैं ते अपने कपड़े भी सीधे पदरे कीती जा रहे हैं, खुशू खुजू रह गया। असी नमाज भी पढ़ी जा रहे हैं ते इंज नक भी साफ कीती जा रहे हैं, असी नमाज भी पढ़ी जा रहे हैं इंज वालां दे अंदर हाथ भी मारी जा रहे हैं, सिर खुरकी जा रहे हैं, असी नमाज भी पढ़ी जा रहे हैं ते दाढ़ी नू भी सिद्धिया पदरियां कीती जा रहे हैं, ओए असी नमाज भी पढ़ी जा रहे हैं ते नमाज दे अंदर हरकतां भी कीती जा रहे हैं। कांदी साड़ी नमाज है, ये खुशू खुजू वाली नमाज है क्या? ये आजजी इनकिसारी वाली नमाज है? नहीं नहीं नहीं, ये कोई नमाज नहीं, कोई नमाज नहीं। अल्लाह दे कुरान ने आख्या, अल्लाह ने कुरान अंदर आख्या, अल्लज़ीना अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून। मोमिन मुसलमान ओ ही बंदे ने, कामयाब ते कामरान ओ ही बंदे ने जिन्हां दे अंदर ए खूबी होएगी, नमाज पढ़न दे खुशू ते खुजू वाली पढ़ेंगे। ए नहीं नमाज पढ़ी जा रहा है, दुकान का हिसाब भी लगाई जा रहा है, नमाज पढ़ी जा रहा है, क्यों जी? और नमाज पढ़ी जा रहा है, रिश्तेदारां दा हिसाबो किताब भी लगाई जा रहा है। मैं लड़ाई किंदे नाल करनी है? झूठ ते दगा फरेब किंदे नाल लगाना है? यानी सारा खाका नमाज अंदर तैयार पिया करदा है, खड़ा अव्वल सब दे अंदर है, पढ़ नमाज रहा है ते खाते दुकान दे सीधे कीती जा रहे। बल्ले ऐ शेरा ऐया खुशू खुजू वाली कैसी नमाज है? इंज दी नमाज अल्लाह नू मंजूर नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़बैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पता किंज नमाज पढ़िया कर दे, रावी बयान करदा है, आंदा असी बैठे हाँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़बैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंज ना, पहले क़याम दी हालत अंदर जान फिर रकू विच चले गए, पहले कयाम दी हालत अंदर फिर रकू अंदर चले गए, रकू विच गए, इन्ना लंबा रकू कीता, रुकू सजदा नहीं, रुकू रुकू एडा लंबा रुकू कीता। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल ने, रावी बयान करता है, असी बैठे हाँ, सूरह बकरा दी तिलावत कीती, फिर सूरह बकरा तो बाद अगे बोलो बोली जाओ आले इमरान पढ़ी, फिर आले इमरान तो बाद निसा पढ़ी, फिर निसा तो बाद अल माईदा पढ़ी, यानी सात पारे बांधे ने तकरीबन, किन्ने? सात से पारे बांधे ने, ते फिर जाके अब्दुल्ला बिन जुबैर रुकू तो खड़े होए। इन्नी आजजी वाली, इन्नी इनकिसारी वाली नमाज साडियां तां अल्लाह दी कसम है, जे सहाबा दा दौर वेखिए, जे सहाबिए रसूल दी नमाज देखी जाए, साडी नमाज नमूज कोई नहीं जे, फिर साडियां नमाजां किस खाते जान गियां, और साढ़े अमाल किस खाते जान गए? असी मौली साहब 10 मिनट की नमाज पढ़ा देवे ना, तो मौलवी नूं फिर पिछों उठ के इको बाबा ही एको ही दबाड़ा लाँदा है, और मैं गोड्या तो रहा पिया तो तू लम्मियां नमाजा पढ़ा लै, और तेरे गोड्या नूं की करिए जे नमाज आज भी इनकी सारी वाली नहीं।
नमाज पढ़नी ते आजजी ते इनकिसारी नाल पढ़ी। खुशू खुशू वाली नमाज पढ़ेगा अल्लाह नू तेरी नेकी पसंद आएगी, अमल पसंद आएगा। ते जे नमाज अंदर हिसाबो किताब ही लगांदा रहा, नमाज भी पढ़ता रहा, खुरकदा भी रहा, नमाज भी पढ़ता रहा, कपड़े भी सीधे पदरे करता रहा, कभी टोपी नू हाथ लाई जा रहा, कभी नक नू हाथ लाई जा रहा, कभी दाढ़ी खुरकी जा रहा, कभी मुछा नू सिद्धियां कीती जा रहा। ये नमाज है, ये हरकतां कीती जा रहा, पढ़ नमाज रहा। यार नमाज पढ़, इंज पढ़ के मैं अल्लाह दे सामने हाजिर होया वा, आसमान वाला मैनू वेंदा पिया। ऐसा ना होए असी नमाज भी पढ़ते होइए कदी इधर वेंदा, कदी इधर वेंदा, कदी सज्जे, कदी खब्बे, कदी अगे, रब दे सामने खड़ा होना ते हरकतां, ते जज दे सामने जांदा ना वकील, पहले बार कढ़दे, ओ पहले आदाब सिखांदे, आ टोपी सिर तो ला दे, चीर डिंगा कढ़ के आना, क्यों जी तेल ला के आना, कपड़े साफ सुथरे पा के आने ने, जुत्ती चंगी पा के आनी है, ते मोबाइल बंद कर लेना, मोबाइल बंद कर लेना। ओ एक वकील दे पिछे लग के तू जज दे सामने खड़ा होन लगा, तेनू डर पिया लगदा, तेरे ते कप कपी तारी है, ते तू सारी कायनात दे मालक दे सामने खड़ा होके हरकतां कीती जा रहा, आसमान वाले दे सामने खड़ा होके तू सिर खुरकी जा रहा है, तेनू पता ही नहीं मैं नमाज पिया पढ़ना, कायनात दा मालक मैनू देख रहा है। नमाज पढ़ो आजजी ते इनकिसारी वाली नमाज पढ़िया करो। अल्लाह अकबर। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहो दे एक बेटे ने इमाम, जिन्हां नू इमाम जैनुल आबेदीन कहा जाता है, इमाम जैनुल आबेदीन, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तारीख दियां किताबां दे अंदर लिखिया कि इमाम जैनुल आबेदीन इन्नी आजजी इन्नी इनकिसारी दे नाल नमाज पढ़िया कर दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मस्जिद दे अंदर दाखिल होंदे, मस्जिद दे विच जदों दाखिल होंदे वुजू वाली जगह ते बैठदे ते चेहरे दा रंग ही बदल जांदा ते जिस्म ते कप कपी तारी हो जांदी, यानी कंबना शुरू हो जांदे। लोग पुछदे ने इमाम साहब खैर तां है ही है, किवें तुहाडे चेहरे दा रंग ही बदल गया है, क्यों परेशानी हो गए हो, जदों भी असी तुहानू वेख्या मस्जिद दे अंदर आंदे हो तुहाडे चेहरे दा रंग ही बदल जांदा है, तुहाडे जिस्म ते कप कपी तारी हो जांदी है, क्यों इन्ना डर तुहाडे सीने अंदर आ जांदा, क्यों इन्ना डरदे हो, क्यों इन्ना खौफ तुहारी ते तुहाडे ते तारी हो जांदा, क्यों इन्नी वहशत तारी हो जांदी है तुहाडे ते। इमाम ज़ैनुल आबेदीन फरमांदे ने और मैनू सवाल करन वाले हो और मैनू पूछन वाले हो, तुहानू पता नहीं मैं किंदे सामने खड़ा होन लगा, तुहानू पता नहीं मैं सारी कायनात दे मालिक दे सामने खड़ा होन लगा। यार ओ मस्जिद विच आन इन्नी आजजी ते इनकिसारी नाल नमाज पढ़न, उन्हां नू अल्लाह दा डर लगे, उन्हां दे सीने अंदर अल्लाह दा खौफ तारी हो जाए, उन्हां ते वहशत तारी हो जाए, उन्हां दे जिस्म ते कप कपी तारी हो जाए, ते असी आके मस्जिद अंदर हिसाबो किताब करते रहने, दुनिया दियां गल्लां करते रहने, दुनिया दियां बातां करते रहने, साड़ी आजजी ते साड़ी इनकिसारी है ही कोई नहीं, दिल दे अंदर डर ते खौफ है ही कोई नहीं। दूसरी गल ए अल्लाह ने फरमाया है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, नमाज पढ़नी आजजी ते
इनकसारी वाली पढ़ी। अल्लाह अकबर, किनिया खूबियां सिफतां हो गई दो। जड़ा बंदा ये दो खूबियां अपनाएगा वह बंदा ही कामयाब होगा। तो तीसरी खूबी केड़ी है, वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मोरिज़ू। लगव लगव बातों तो मुँह मोड़ते ने मोमिन जड़े होंगे ना ईमान वाले, वह लगव गल्लां करदे। लगव गल केड़ी है, क्यों जी लगव बात केड़ी है? अल्लाह अकबर, अल्लाह जड़ी बेफायदा होए। लगव किन्नू आख्या जाता है? जड़ी बेमकसद होए। लगव किन्नू आख्या जाता है? जिंदा फायदा ही कोई ना होए। क्यों जी लगव किन्नू आख्या जाता है? अल्लाह अप्रैल फूल ये लगव नहीं। क्यों जी अप्रैल फूल? लो जी फूल ही देना है ना, और है तो लगव है ना। वैलेंटाइन डे लगव ऐ केवल किन्नी चंगी चीज़ है। हर घर की ये बीमारी आवाजारी है। क्यों जी केवल ऐसी लानत चमड़ी है, हर घर की बीमारी तो आवाजारी है। केवल भी लगवे इंडिया की बगैरती साढ़े घर। क्यों जी अमेरिका की बगैरती साढ़े घर। पाकिस्तान के तरन्नम वाली बेहयाई, पाकिस्तान की तरन्नम वाली बेहयाई साढ़े घर। ते मैं फिर भी पक्का मुसलमान हाँ, पक्का मोमिन हाँ। लगव गल्लां तो बचना है, लगव बातां तो बचना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक दिन ना सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं कुर्बान जावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल तशरीफ लैके गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक इधर मेरे वल वेख्या जे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इंज ना अपनी जबान नू पकड़िया ते बार खिच देने पे, बार खिच देने पे। ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने, ओ यार अबू बकर ए की प्या करना है, की हो गया तेनू, ए की कम करना आंदा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने, यार उमर मैं आमिना दे लाल अलैहि सलात व सलाम दे कोलो सुनिया है, सारी कायनात दे इमाम ने फरमाया है, जड़ा बंदा ऐ जबान चो लगब गुफ्तगू करेगा, लगब बातां करेगा। क्यों जी लगब गुफ्तगू करेगा, कल कयामत वाला दिन होएगा, अल्लाह उस बंदे नू कसीट के जहन्नम दे अंदर दाखिल कर देवेगा। ये हस्ती केड़ी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये सिद्दीक किन्ने आख्या है? अबू बकर नू सिद्दीक किन्ने आख्या है? कायनात दे रब ने आख्या है। अबू बकर नू सिद्दीक किन्ने आख्या है? अल्लाह दे फरिश्तियां ने मलाइका ने आख्या है। और सिद्दीक किन्ने आख्या है? सारी कायनात इमाम ने आख्या है। सिद्दीक किन्ने आख्या है? नबी दे यारा ने आख्या है। ते ए ओ हस्ती है जड़ी अल्लाह दी जात कोलो इन्ना पई डरदी है। ते साडे दिलां दे अंदर डर खौफ है ही नहीं। असी लगब फजूल बेमकसद बेफायदा एवें ही गुफ्तगू की जाने, साड़ियाँ जबाना कैंची की तरह कट दियां ने पईयां, चल दियां ने पईयां। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इस वास्ते एक तीसरी गल ए आ, अल्लाह दे कुरान ने दसी है, वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मोरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून। चौथी गल, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, जिन्ना लोका ने जन्नतुल फिरदौस विच जाना, जिन्ना लोका ने कामयाब होना,
कामरान होना उन्होंने अंदर ए खूबियां होंदिया ने ए सिफतां होंदिया ने ए खसलतां होंदिया ने ते जिस बंदे अंदर ये खूबियां नहीं वो बंदा कामयाब भी नहीं। अद्धा चौथी खूबी केड़ी है चौथी कामयाबी केड़ी है जकात सोना प्या है जकात देंदा है चांदी है उन्दी जकात देंदा है इन्दे कोल माल डंगर है उन्दी जकात देंदा है इन्दे कोल ऊठ ने जकात अदा करदा है इन्दे कोल बकरियां दा रेवड़ है जकात अदा करदा है इन्दे कोल दुनिया दा मालो मता है उन्दी जकात अदा करदा है माल अल्लाह दी राह अंदर खर्च करदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह आइए गौर कर दे जाना सही इबन हब्बान दी रवायत है बानी इसराइल दा एक बंदा बानी इसराइल दा एक आबद 60 साल अल्लाह दी इबादत करन वाला किन्नी देर 60 साल अल्लाह दी इबादत करन वाला एंजना टीले थे बहुत बड़ा एक टीला है उन्दे ते इंदा माबद खाना है जिंदे विच बह के अल्लाह अल्लाह करदा है रब नू याद करदा है ते अल्लाह ताला ने आसमान तो बारिश बरसाई खिड़की खोलदा आंदा मैं अल्लाह दियां कुदरतां दा नज़ारा चेक करा बूंदा बांदी पै रही है किते घाह ते पै रही है किते दरख्तां दे पत्तियां ते पै रही है ओ साफ शफाफ होंदे जा रहे ने ये नज़ारा चेक कीती जा रहा है ना रहा गया टीले तो थले उतरिया अपने कमरे चो बाहर निकलिया नीचे आ जांदा बारिश रुक जांदी है आंदा मैं खूब सैर सपाटा करांगा अल्लाह दियां कुदरतां ते गौरव फिकर करांगा कौन है 60 साल इबादत करन वाला बानी इसराइल दा आबद जे अद्दाहु अकबर अल्लाह सही इबने हब्बान दी रवायत जे ए नीचे आया ते नीचे आके एक जगह ते चश्मा है उस चश्मे ते एक लड़की है खूबसूरत नौजवान लड़की पानी भर दिए पई ए करीब चला गया ए 60 साल दी इबादत करन वाला आबद कहन लगा मेरे दिल दे अंदर उस लड़की दी मुहब्बत जोश मारन डै पई हत्ता के अल्लाह दी नाफरमानी कर लैंदा है अपना मुंह काला कर लैंदा है अद्दा अल्लाह ते नाफरमानी करन तो बाद ना डरदा पिया लरसा तारी हो गया डर जांदा है आंदा है मैं तो इन्नी मुद्दत गुजार दी है मैं कभी गुनाह किया नहीं ज्यादती की नहीं पता नहीं की हो गया मैं क्यों अल्लाह की नाफरमानी कर बैठा यानी गलती करके रब कोलो तौबा करन दा प्रोग्राम बना लिया माफ़ी मंगन दा प्रोग्राम बना लिया कि अंदा तो मैं गुनाह नहीं करांगा मेरे कोलो गलती हो गई है अल्लाह अकबर अल्लाह ते आंदा मैं पाक होवां साफ होवां चश्मे अंदर नहाण लगा है उन्दे विच दाखल होण लगा है इन्दे हाथ दे अंदर दो रोटियां ने ओ इंज एक जगह ते रख देंदा है इंज छाल मारी एक सवाली आ जांदा है मैनू अल्लाह दे नां दी कोई चीज़ दे दिती जाए ए ओ दो रोटियां फड़ के उन्नू दे देंदा है दो रोटियां फड़ के उस सवाली नू दे छड़दा है उस सवाली लैके टुर गया इन्हा के साफ शफाफ होया ते रब कोलो तौबा करदा है अपने गुनाह दी मुआफ़ी मंगदा है जदों इन्हें मुआफ़ी मंग ली अल्लाह ने मुआफ़ कर दिता इधरों मुआफ़ किया इधरों इंदी रूह परवाज हो जाती माफी मांगदा है रूह परवाज हो जांदी है मर जांदा है अल्लाह दी अदालत लग जांदी है सवालो जवाब होंदे ने नाकाम हो जांदा है ना मुराद हो जांदा है नाकाम हो गया किस वजह तो
गुनाह करन दी वजह तो। अल्लाह फरमाते ने मैं तेरे सारे अमाल बर्बाद कर दिते ने, 60 साल दी इबादत जाया कर दिती है, तू मेरिया ना फरमानियां करदा रहा है। अल्लाह अकबर ए इकरार कर लवेगा, अल्लाह मैं मुआफ़ी भी मांग ली सी तेरे कोलों। अल्लाह फरमाएंगे मैं मुआफ़ी दे दिती, फिर भी जुर्म ज्यादा बढ़ा है। लेकिन अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे तू दो रोटियां सदका कीतियां, खरात कीतियां, मेरी राह विच खर्च कीता, ओ तेरे खर्च करन दी वजह तो तेरे अमाल मैं बढ़ा दिते ने, जा मैं तेनू जन्नत दा दाखला दे छड़िया। खर्च करया करो, खर्च करया करो, सखी बनो सखी, कंजूस ना बनो, अपनिया जेबा ने मुंह खोल के रखिया करो, इन्हों बंद करके ना रखिया करो। अल्लाह अज इन्हों बंद करेगा, कल कयामत वाला दिन होएगा। ये तेरा माल, ये तेरा खजाना, जिन्हों संभाल के रखना है। आवाज लगेगी आना मालू का, आना कंजू का, यार क्यों मेरे को भजना है, क्यों मेरे को दूर जाना है। मैं तेरा ओहो माल हाँ, ओहो खजाना वा, जिन्हों संभाल के रखना सहन सह। मेरा बड़ा बैंक बैलेंस है, असी जनाब बाश 40 साल बह के भी खाइए तो मुकदा नहीं, पर किसे गरीब का ख्याल किया बादशो, किसे गरीब का भी ख्याल किया नहीं। ओ वीर जी कल कयामत वाले दिन अल्लाह दी अदालत लगनी है, दिल दे अंदर डर पैदा कर। अल्लाह अकबर चौथी गल की है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कती फ़ाइलून, पंजवीं गल वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम अपनी शर्मगावां दी हिफाजत करन वाले ने, नजायज इस्तेमाल नहीं करदे, गुनाह नहीं करदे, ज़ियाती नहीं करदे, हलाल खांदे ने, हलाल पहनदे ने, हलाल पींदे ने, हलाल दी तरफ आंदे ने, हराम वल्ले तकदे नहीं। ए मोमिन ए कामयाब ए जन्नती ए, जमीन ते चलदा फिरदा गरंटी शुदा गल जे। अल्लाह पांच गल्ला हो गईया, अगे छेवीं गल फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, कोई बंदा अमानत दे तौर ते कोई चीज रख देंदा है, वो अमानत विच खयानत कर दे, अमानत विच खयानत नहीं कर दे। अमानतां वालियां दियां अमानतां उन्हां नूं वापस लौटा देंदे ने, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं इन्हां आयतां दी वी नहीं तां तफसील नाल बयान करदा, लेकिन मैं समझा देना वा। 6 गल्लां हो गईयां, अमानतां दे अंदर खयानत नहीं कर दे, ते 7वीं गल वा अहदी हिम राऊ, जे किसे नाल वादा कर लिया ते वादा सच्चा कर दिखांदे ने, झूठा वादा कर दे नहीं, ए नहीं उन्हूं भी टाइम दे दिता, उन्हूं भी दे दिता, इन्हूं भी दे दिता, इधर भी दे दिता, फड़ लो आंदा भी फोन, आंदी भी कॉल, आंदा भी जनाब फोन, जनाब मेरे कोल नहीं आए, मेरी की गल है, मेरा की गुनाह है, मेरी की गलती है। ले दो भगता ले ते 4 मर गए, क्यों जी? वादा करो किसे नाल ते सच्चा, उनकी खिलाफ अर्जी करनी, वादे दे पाबंद ते पक्के रहना। ऐ 7 खसलता, ऐ 7 अमल, ऐ 7 खसैस जिस बंदे दे अंदर होंगे, ये पक्का मोमिन है, पक्का ईमान वाला है। रब दी जमीन ते चलदा फिरदा जन्नती है। मेरे को लिखा लो, अल्लाह दे कुरान ने जन्नती आख्या, ते जन्नत भी केड़ी है? फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून,
ये लोग वारस होंगे, ये लोग जिन्हों के अंदर सत खसैस होंगे, कांदे वारस होंगे। फरमाया अल्लज़ीना यारिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। फिरदौस दे वारस होंदे ते हमेशा उनके विच रहेंगे, बाहर कढ़िया जाएगा नहीं। दुआ करो हाँ अल्लाह ए सत बातां ए सत अमल सानू सही माने दे अंदर अपनाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये बंदा